तो नमस्कार जी मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं, और 1.4 क्लास 10th का ये है। ठीक है, तो क्लास 10th का हम चैप्टर 1.4 देख रहे हैं मैथ का। तो थोड़ा सा हम इसको समझाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए ना तो ये पूरा जितना मैथ है 1.4 का आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, और इसको समझने के बाद ऑटोमेटिक उन सबको आप लगाना सीख जाएंगे। तो देखिए, बस इसको ही समझ लीजिए, ये चीज है क्या, ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया होगा पी बट्टे क्यू के टाइप में, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 10/3, इस प्रकार से दिया होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसको ही शांत अशांत या फिर उसके रूप में लिखना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। आप अपने प्रश्नावली में देखे होंगे ऐसा ही क्वेश्चन है, जहाँ पर क्यू क्या है ना, 0 के बराबर नहीं होता है, और पी और क्यू सौ अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसका क्या होगा गुणनखंड, देखिए 10 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2, 5 और 5, 1, यानी 2 × 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसको मान लीजिए अगर आपका 3 हो गया तो यहाँ पे 3 × 1 होगा। तो देखिए इसमें कोई संख्या एक साथ मिल रही है, नहीं मिल रही है, कौन सी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 1 मिले तो ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए, तो वही सौ अभाज्य संख्या होती है। फिर वहां पर हो गया आपका, अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा होगा, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यही चीज आपको समझना है। तो इसमें क्या चीज है, आपको यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 14/4, जब इसको भाग देंगे तो 3.5 आएगा, मतलब ये पूरी तरह से कट गया। देखिए कैसे, मान लीजिए 14 का जब 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 × 3 = 12 हो गया, तो 12 यहाँ पे लिख लिया, बच गया 2, फिर दशमलव लगाया आपने तो यहाँ पे 0 बच गया, तो फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 20 से देखिए पूरा कट गया ना, तो ये आपका पूरी तरह से कट गया, आंसर आ गया दशमलव में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरी चीज यहाँ पे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अब ये चीज क्या है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है 20/6, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 20 का जब 6 से हम भागा करेंगे तो 36/18 हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 2, फिर दशमलव यहाँ लगाइए, यहाँ पे 20 कर दीजिए, फिर अभी क्या करेंगे कि 36/18, देखिए 18, फिर 2 आ गया, यानी ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आपका क्या हो गया, ये हमेशा आगे को बढ़ता जा रहा है, यानी कटता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता इसका। तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्या चीज है, क्योंकि बार बार एक ही संख्या आ रही है, 3 3 आ रही है, इसलिए आवर्ती इसको बोल दिया गया है, और दशमलव में ये है ही, यही हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, समझ में आ गया। लेकिन इसको कैसे हम लगाएंगे वो चीज आप समझ लीजिए, और कैसे उसको डायरेक्टली हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये अशांत है या फिर अशांत है। तो देखिए इसमें क्या है, क्यू के अभाज्य, क्यू क्या है, नीचे वाला है ना, पी बट्टा क्यू के टाइप में दिया होता है, तो जो नीचे वाला होता है उसका ही हम गुणनखंड निकालते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब अभी हमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों ही आए तो आप उसे शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और यहाँ पे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में आप देखिए कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आए तो उसे अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं, कैसे वो चीज आप समझ लीजिए। तो देखिए आप हम दोनों का दिखाते हैं, इसका पहले दिखा देते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 20 ले लिया, तो आपका 20 का जब हम निकालेंगे गुणनखंड तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 20, फिर 2 से करिए 2 × 5 = 20, ठीक है, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 × 5 = 5, कितना आ गया आपका 2 × 2 × 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार दिया है, हो गया इतना। अभी यहाँ पे आप देखिए तो ये चीज हो गया ना, तो 2 और 5 ही आ रहा है, कितना बार आया उससे कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 ही आया है, तो ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये कैसे दिया होगा, मान लिया आपका 3/20 दे दिया, तो हमें इसका निकालना है, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, इसमें क्या चीज़ हमें समझना है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 15, ठीक है, तो इसका करिए पहले 3 से जाएगा तो 3 × 5 = 15, फिर 5 × 1 = 5, इसमें देखिए 3 × 5 आ रहा है, तो इसमें देखिए क्या है आपका 5 दिया ही है, तो 5 के अलावा देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आए तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। और इसमें क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसमें तो 3 आ गया ना अलग से, और 5 तो हमारा इसमें दोनों में इसमें चाहिए, इसमें रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3 अलग से आ गया, तो ये आपका क्या हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। तो यही चीज आपको समझ रहा है कि 2 और 5 आए तो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं, और चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे, और इससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो सवाल में आप समझ जाएंगे। तो चलिए,
तो अभी आप आ गए हैं 1.4 के पहले क्वेश्चन पर। तो आपको पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना, पर आपका दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी एक लाइन में ही आपको जवाब देना है। दो लाइन चार लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नोटबुक में बड़े लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। तो आपको मैंने पहले समझाई दिया था कि कैसे आप लोगों को उसको हल करना है। तो यहाँ पे दिया 13/31। ठीक है, और दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपस में ऊपर नीचे संख्या नहीं कटनी चाहिए। 6/2 मान लीजिए 12 दे दिया, तो देखिए 6 एकम में 6 और 6 गुना के 12 कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब कट जाएगा तो 1/2 में 2 आ रहा है, तो अब इसका आवर्ती निकालेंगे तो ये शांत हो जाएगा या फिर अशांत होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज इसको लिखते हैं, क्योंकि जो सही होगा वही लिखेंगे ना। तो आपका आ गया, तो P/Q के हिसाब से है, ये P/2। तो क्यू का जो यहाँ पे 3125 लिख रहा है, तो यहाँ पे 3125 का हम गुणनखंड निकालेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, जब 5 से इसको कटाएंगे, क्योंकि 5 से कटेगा, तो 5 6 30 और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 के 10, 5 6 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम में 5 और 5 2 के 10, 5 6 25। फिर 5 से काटिए इसको, 5 2 के 10, 5 6 25। फिर 5 से, फिर 5, फिर 5, फिर 5। ठीक है, तो कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5। तो कैसे आ गया ये, 2 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 बार आ गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 5। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आपका कितना आया है, ये तो 5 ही आया है ना पूरा, और 2 आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर आ गया होता आपका 3, तो ये अशांत हो गया होता, आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पे 5 ही है सिर्फ, तो क्या हो गया आपका, ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। ठीक है, तो ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, 17/8 दे दिया, तो इसका देखिए 17/8 है, तो हम इसका ही निकालेंगे गुणनखंड ना। तो निकालिए, 8 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 4 2 2 और 1, तो कितनी बार, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2 बराबर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार आया है। तो देखिए इसमें 2 ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है, तो आपका ये भी शांत हो गया। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, अब तीसरे पे चलते हैं, समझ जाएंगे आप लोग, ध्यान से इसको देखते रहिए। 64/455 दिया है, तब 455 का हम निकालेंगे, 64 का तो हमें गुणनखंड निकालने से कोई मतलब है नहीं। तो 64/455, तो 455 का आप निकालिए गुणनखंड। तो देखिए पहले ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम में 5। ठीक है, फिर अभी ये 7 से कटेगा, 7 से कटाइए, 7 एकम में 7 और 7 3 के 21। फिर 13 से 1, तो इसमें क्या आ रहा है, 5 × 7 × 13, तो इसमें क्या आ गया, 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1। इसमें देखिए 5 के अलावा 2 तो इसमें दिया नहीं है, तो उसको भूल ही जाइए। 7 और 13 दो अलग संख्याएं दी हैं। हमने बताया था कि जो अशांत आवर्ती संख्या होती है, उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो वह अशांत आवर्ती संख्या कहलाती है। तो यह आपका क्या हो गया, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या ये कहलाएगी, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 5 के अलावा और भी कोई संख्या है। तो चलिए अब इसमें 15/16 में आते हैं, तो हमें 1600 का हमें गुणनखंड निकालना है, तो 1600 यहाँ हमने लिखा, इसका गुणनखंड निकालिए। पहले 2 से कटेगा, तो 2 8 16 00 उतार लेंगे, फिर 2 से 2 4 8 ये हो गया, फिर 2 से ये हो गया 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से करेंगे 25 और 5 5 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 6 बार दिया है, तो यानी 2 के पावर 6 कर सकते हैं और 5 के पावर 2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 2 बार आया है। तो आपका क्या हो गया, ये देखिए 5 और 2 ही दिया, इसके अलावा और कोई संख्या यहाँ पे गोड़े में नहीं है, और कोई संख्या इसको नहीं काट रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। यही चीज है, ज्यादा कोई नियम नहीं है दूसरे में, और में कुछ और टॉपिक है, इनको हमें हल करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन में, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अगर मैं इसको लगाता रहूंगा ना तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको आप लोग नोट करते जाइए कि कौन सा किसका मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, 5वां है, 29/343, तो 343 का ही हम निकालेंगे। ठीक है, 29 से मतलब नहीं ऊपर वाले से, तो 343 का क्या होगा, ये आपका 7 से कटेगा, काटना आपको आता होगा, ये गुणनखंड निकालना आता होगा, अच्छी बात है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 चौक 28
63 हो जाएगा, तो 7 9 63, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 से एक क्या आ गया आपका, 7 के पावर 3, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 तो दिया नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। तो इसको भी लिख दीजिए अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या हो गया ये। अब इस पे आते हैं, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, ये चौथा का है, पांचवा है, और ये क्या हो गया आपका चौथा, 1600 है ना, ये आपका चौथा है, तीसरा 455 का है, ये तीसरा है, 8 का हो गया इधर, ये दूसरा नंबर है, और 3125 ये पहला नंबर। इतना पहले अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, फिर आपको आगे समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, जगह कम पड़ रहा है। तो अभी आपका यहाँ पे क्या दिया, 23/2 और 5/2, तो इसमें अब आपको कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट यहीं देख लेंगे आप, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या यहाँ पे गुण नहीं दिया है, जैसे 3 के पावर 1, 4 के पावर 1, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इसमें भी ठीक वैसे ही, ये देखिए 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, यहाँ पे कोई और संख्या यहाँ पे दे दिया, देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये भी हल हो गया। अब 6/15, अब इसमें कुछ आपको चेंज करना है, क्यों, देखिए 3 के बारे में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो इसको पहले काट लीजिए, तो 3 दुना के 6 और 3 5 15, तो आपका क्या हो गया 2/5। तो आप देखिए नीचे जो क्यू वाला है वो 5 से कटेगा, तो 2/5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 5 एकम में 5, तो इसमें देखिए 2 और 5 जिसमें गुणनखंड में आए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, शांत आवर्ती संख्या हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, शांत आवर्ती संख्या, सॉरी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, आवर्ती नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इस पे चलते, ये भी देखिए ये भी कटेगा, किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा 5 से, तो 5 से 35 और 5 50, तो आपका क्या हो गया 7/10, तो आप इधर लिख दीजिए 7/10 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 का, 2 से पहले कटाइए, 2 5 10, फिर 5 से कटाइए 1, आपका क्या आ गया 2 × 5, ठीक है, तो 2 × 5 आ गया, तो आपका 2 × 5 का जब गुणा करेंगे तो 10 आ ही जाता है, तो आपका क्या यहाँ पे करना है 2 × 5, तो इसमें 2 और 5 ही दिया है, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 77/210, ये भी कट जाएगा, देखिए किससे, 7 से इसको काटिए, 7 एकम में 7, फिर 7 एकम में 7, ठीक है, तो ये कट गया, फिर इसको काटिए 7 × 21 और 0, क्या आपका आ गया 11/30। अभी 30 का हमें यहाँ पे गुणनखंड निकालना है, 30 का निकालिए, 2 से कटेगा 15, फिर 3 से 5 और 5, आपका क्या आ गया 2 × 3 × 5। तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 3 अलग से दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए पूरा फटाक से, और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इससे आप लोगों को और भी समझ में आएगा। तो उसमें क्या दिया है ना आपका, समझ लीजिए उसमें दिया है कि क्वेश्चन अपने किताब पे देख लीजिए कि जो हमारे शांत है ना उनको हमें लिखना है, तो हमें शांत यहाँ पे कौन कौन दिया है, जो अशांत है उसको मिटा देंगे हम, अशांत वाले को मिटा देते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे दूसरे वाले सवाल में कि यहाँ पे दिया है ना, प्रश्न एक में दी गई उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो उसमें शांत आया था ना वो 6 थे, उन 6 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने लिख लिया है, और इन सबको अब लिखना है, ठीक है, दशमलव प्रसार में लिखना है। अब इसको दशमलव प्रसार में कैसे लिखना है, 13/125 का जब इसको देंगे भाग, तो आपका ये दशमलव में आएगा, वही चीज में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका होता है ना 15/2 दिया है यहाँ पे, अब क्या करेंगे, 15 को 15 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 15 2 का 7 बार करेंगे तो 14 1 बच जाएगा, तो दशमलव 5 हो जाएगा, ऐसे ही आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इन सबको कैसे हल करना है, अब तो 3125 को आप कैसे करेंगे भाई 13 में भाग, तो वही चीज़ बहुत आसान ट्रिक है, तो समझ लीजिए इसके लिए हमें इन दोनों को मिटाना पड़ेगा, अभी बाद में हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे पहले ऊपर 13/25 में क्या करें, 3125 का हमने गुणनखंड क्या निकाला था, हम देख लीजिए आपने रखा था ना, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट निकालने के लिए, आया था क्या यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका 5 का पावर कितना 5, क्योंकि 5 का पावर 5 लिख दिया, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार हो गया। तो अभी इसमें 2 को भी लिखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी आप 2 × 5 करते हैं तो 10 हो जाएगा, अगर 2 × 2 × 5 × 5 करते हैं तो आपका कितना होगा, देखिए
दो दुना के चार, चार पंजे 20 और 20 पंजे 100। दो दो बार है, पांच दो बार है, तो हमेशा ये 100,000 के रूप में ही निकलेगा। जैसे अगर 2 के पावर 3 दिया है, 5 के पावर 3 दिया है, तो ये भी जो आना चाहिए वो आएगा, जैसे 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये 2 के पावर 2 दिया है, पूरे 5 के पावर 3 दिया है, तो ये 1,000 100 के मामले में नहीं आएगा, बल्कि 150 या फिर 1,500 ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपका ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें भी हमें 2 का पावर 5 करना पड़ेगा और इसमें भी 2 के पावर 5 करना पड़ेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 × 2 का पावर 5 = 32 होता है। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि जब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 जब गुणा करेंगे, 2 × 4 × 8, 8 × 16 × 32 आ गया ना, यही 32 हो गया, 13 × 32। अब 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5 × 10 और 5 5, ठीक है, सेम है, तो इसका पावर 5 हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको मिटा लेते हैं, समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन और टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो अब जब इसको पूरे गुणा करेंगे तो 13 × 26 और 13 × 39 = 41 हो गया ना। और ये क्या हो जाएगा, 1 का 10 का पावर 5 दिया है, तो इसमें 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अभी देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, यहाँ पर 0.5 के बाद ही लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने 0.5 लगा दिया और यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.00416, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 0.5 के रूप में आपने लिख दिया। अब इसका देख लीजिए, 17/8 है, तो 8 का क्या आता है, 17/8 है, तो 2 के पावर 3 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जब 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 × 4 × 8 हो जाता है, तो 2 के पावर 3 हमने कर दिया। तो अब इसमें 5 की भी जरूरत है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 के पावर 3 करेंगे, क्योंकि इसमें भी पावर 3 है, तो इसमें भी करिए 5 के पावर 3, क्योंकि जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा आपको करना पड़ेगा उसी संख्या से, तो कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 17 × 125 / 5 × 10 = 3। ठीक है, अब इसको जब पूरा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 × 34 = 8, 42 × 2, फिर 7 × 17 = 17 × 4 = 21 / 1000। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो 3 के बाद 10 लगा दीजिए, तो आपका कितना हो गया, 2.125, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसको देख लीजिए, 15/1600 को, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 के पावर 6, 5 के पावर 2, क्योंकि हमने गुणनखंड निकाला था, तो 2 बार 6 आया था, 5 का 2 बार आया था, तो हमने कर दिया। तब इसमें देखिए 2 का पावर 6 दिया है और इसमें 5 के पावर 2, तो 5 का पावर भी 6 करना पड़ेगा ना, तो × 5 के पावर 4 कर दीजिए, तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा, ये भी तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 के पावर 4 से गुणा। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 × 625 जब इसका करेंगे 4 बार गुणा, तो ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 6 × 5 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको गुणा कर लीजिए 15 का 625 में, तो आपका आ जाएगा 9375 / 10 = 6। तो अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9375 / 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया, तो 6 जीरो है, तो 6 के बाद 10 लगेगा, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 10 लगा दीजिए, 1 जीरो इधर, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.00937, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आप इसमें लास्ट वाले में देख लीजिए, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ध्यान देना है कि 23/2 के पावर 3 है और यहाँ पे 5 के पावर 2 दे दिया, तो 5 का पावर भी 3 करना पड़ेगा, तो कीजिए, 5 के पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 के पावर 2, तो गुड़े 5 के पावर 1 से गुणा करेंगे, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी कर दीजिए 5 के पावर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23/5 में जब गुणा करेंगे, तो अभी आप इसका गुणा कर लीजिए, 5 × 15 = 5, 5 × 10 और 1 = 11, यानी 115/9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 × 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3 = यहाँ पर आपका हो जाएगा 115/9, 2×10 का पावर 3 = 115/9, 1000, तो 3 जीरो दे दिया, तो 3 1 2 3 के बाद 10 लगाइए, 1 जीरो,
आपका क्या आ गया 0.115 आंसर। ठीक है, यानी इसको 115 नहीं 115 बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला बताता हूँ। चलिए यहीं पे बता देता हूँ आपका कितना नंबर है, पाँचवा नंबर और छठवा नंबर। ठीक, 6/15 दिया है, तो ये पहले कट जाएगा, 3 6 से 3 से कट जाएगा तो 2 आ गया, और 3 5 15 तो 2/5 आ गया। तो जब 2 का, जैसे कि 2 में 5 का जब भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5 2 20 ठीक है कट गया ना, तो 0.4 आ गया। आपका कितना आंसर आ गया, 0.4 आंसर आ गया। ठीक है, फिर छठवां नंबर देख लीजिए क्या है, 35/50 दिया है, ये भी कट जाएगा, काट दीजिए, 7 5 35 यानी 7 बार में कट गया, फिर 5 1/2 4, तो 7/10 आ गया, तो 7/10 आ गया। तो अभी आप क्या करेंगे, 7 में जब 10 का भाग देंगे तो आपका यह आ जाएगा 0.7। लेकिन आपको क्या करना, हमने पहले समझाया था 1 0 है ना, तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ लगा के 0 लगा दीजिए, तो 0.7 आंसर आ गया। बहुत आसान ट्रिक है, भाग देने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया दूसरा सवाल भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें।